एडमिट करा दिया है, बोल रहे डॉक्टर की मम्मा को फिर से फीवर आ गया है हमारी। हैं? हाँ, क्या कितना है? 98.5 है। 98 है? तो पहले 102 बता रहे थे। अरे वो हीट, मम्मी ने छोड़ दिया था हाथ से, तो हीटर की गर्मी ले ली उसने बाहर की। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और मम्मी की तबीयत खराब हो गई 3 बार, तो वो लूज मोशन जा चुकी हैं और 3-2 बार उल्टी हुई है। लास्ट जो कॉल आया था उस पे कॉल था। हाँ, और डॉक्टर से बात करी थी कि घर विजिट कर ले तो वो नहीं आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा मेडिकल में जाके मेरी बात करा देना। तो मैं जाता हूँ मेडिकल, और गाड़ी की चाबी कहाँ है मेरी? अभी फूड पॉइजनिंग हुई है या क्या है पता नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ तो खाया नहीं, घर का ही खाया बस। ये दोनों एक साथ लेनी है? हाँ, अभी सुबह में। और ये एक दिन में और एक शाम, मतलब 12 बजे के आसपास। हाँ, दे देता। ये वो आ रहे थे ये। ठीक है अब? हैं? थोड़ी नॉर्मल हुई तो दवाई खा लो पहले। और वो रचना वो आ रही सूजी का उपमा, खाने में हो रही हो तो निकल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर ने कहा है। ये बन गया तुम गीजर और हीटर? आधे से ज्यादा मन किया, बहन यहाँ डालो। हाँ डालो बहन, उधर। हाँ अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। हाँ डालो डालो। देखो उधर देखो, कांच में देखेगा क्या मंकी? मंकी कैसे कर रहा है आपका क्या काम? ये देखो ना, हाँ डालो, हाँ डालो, हाँ ऐसे तो रहता मंकी। देखो तो मंकी देखो, ये वेरी गुड, देखो तो सही। और गीत क्या है? गीत तो मेरा छोटा सा मंकी है, मम्मी पे गई है इसलिए मंकी बनाया है। आपको पता है किस पे गई है? तेरे पे गई है हरकतों में। ये देख लो मम्मी बिल्कुल परफेक्ट कर रही है बेटा। करो मंकी, करो मंकी। मम्मी के पूर्व मंकी क्या खाता है? मंकी क्या खाता है? बनाना। चलो मंकी, मैम मुझे मंकी क्या खाता है? तो मम्मी के लिए बनाना और दही ले लिया, ताज़ा फ्रेश दही और बनाना। और गीत को छोड़ दिया स्कूल, देखो क्या करती है वहाँ पे। बहुत बच्चे वही सब बन गए हैं, मोर बने, कुछ टाइगर, कुछ रैबिट। अभी तो बनाना लेके जा रहे हैं, देखते हैं कुछ फ़ायदा होता है। डॉक्टर को दिखा दिया, दवाई दे दी। तो तुम खाओगे तो अपने आप सही हो जाएगा, चिंता की बात है। अंदर से इच्छा भी तो है। दो चम्मच और खा लो। पापा का फोन आया, बुला रहे। ये तुम्हें एडमिट करना पड़ जाएगा मालूम? नहीं है, मैं दो जाऊंगा। ऐसे कैसे हो जाएगी अपने? चलो गीत को लेके आते हैं, 12 बज गए हैं और मम्मी की तबीयत ठीक है, थोड़ी सी अच्छी है। अभी तो दवाई नहीं खाई उन्होंने, थोड़े से दही और चावल खिलाए मैंने खुद से, उन्हें बैठते भी नहीं बन रहा है, बढ़ने बहुत कमजोर जा गई। देखते हैं अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आता तो फिर हॉस्पिटल ले जाएंगे। मंकी मंकी कहाँ है मंकी? चलो मंकी, मंकी है हमारा बच्चा। मंकी कैसे कहता है? कि कैसे कहता है? ऐसे खुट 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 खुट। चले घर, चले चलो घर चलते हैं। पानी की बोतल ले लो बेटा, पानी की बोतल कहाँ है? स्कूल में रखी है। ओ दादी की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, सुबह उठते से दादी दादी कर रही थी। दादी कहीं? दादी कहीं? दादी चले एडमिट होने? क्यों दादी को तो नमस्ते करें, दादी को दिखा दो कि मंकी। शक्कर डाली थी? हाँ ना, शक्कर बहुत ज्यादा हालत गिर गई यार। ये तो इधर बॉटल लगवा दें एक। हाँ, मेरे को लग रहा लो बीपी का भी इनको शिकायत है ना, बहुत ज्यादा आंखें बंद ही हो रही हैं, गोली भी देनी है ना 12 बजे। मंकी दादी की तबीयत खराब हो गई बेटा, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मम्मी के 7-8 बार तो उल्टी हो गई है, फिर लूज मोशन हो रहे हैं, आराम नहीं लग रहा है। दवाई जो डॉक्टर ने दी थी उससे, तो मैं सोच रहा हूँ कि हॉस्पिटल में एडमिट कर देते, जिससे कि उनको बुखार तो नहीं आ रहा। एक शॉल भी ले लो। हाँ शॉल, वाइट वाला शॉल ले लो, है ना, क्योंकि वहाँ पे वो लग जाएगी ट्रिप वगैरह तो सही हो जाएंगे। एडमिट करा दिया है, बोल रहे डॉक्टर की एडमिट करा दिया। डॉक्टर बोल रहे हैं कि बीपी कम है, पानी की बहुत कमी हो गई है,
और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए। मैं आपको बता दूँ, अभी तो मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। तो निकल जाओ मैडम, आप क्या निकल जाओ, आप भी अपना ध्यान रखो, खाना नहीं खाया तुमने सुबह से। हैं गीत ऑटो से चले कि मैं छोड़ के आऊँ? मैं तो बस छोड़ आऊँ, बाइक से आता हूँ। मुझे नहीं लगता अभी एक घंटे से पहले। ये कैसे मूवी चल देख इनका ध्यान रखने आए थे और खुद का तो अभी लगता है आज रात रोकेंगे वो, जिस हिसाब से जाँच से चल रही है आज रात रोकेंगे। कल संडे है, बोलेंगे संडे को हम छुट्टी लेंगे, परसों करेंगे। देखो क्या होता है। तुमने कलाई नगर तो देखा है ना? हाँ कल, ठीक है चलो बाय, बोल लो। और क्या, तो रचना को भेज दिया है, अब देखते हैं जनरल वार्ड में शिफ्ट करते हैं। पी लो अम्मा, हमारी माता राम है। दोस्तों अभी तो मैं जा रहा हूँ घर, गाड़ी कार यहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या है, और मैं भी सुबह से खाना नहीं खाया मैंने, तो खाना खा के आते हैं। मम्मी को थोड़ा आराम लग गया है, मम्मी के लिए कुछ खाना ले आएंगे, और मैंने भी खाना नहीं खाया, अभी नहाया भी नहीं है। तो मैं मम्मी को, मगर हेडेक बंद नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कल आज रात को रखेंगे यहाँ पे वो। डायरिया हो गया था, पानी की कमी हो गई थी बहुत ज़्यादा। निकलता हूँ मैं वापस हॉस्पिटल के लिए, खाना मैंने खा लिया है, मम्मी के लिए लेके जा रहा हूँ खाना। अभी से फ़ोन पे बात होती रही है, तो दो तीन बार बात हुई है, तो ठीक है ना जाने। बेटे बिठाए क्या हो गया, अच्छी खांसी थी आज जाने वाली थी, और वो हो गई एडमिट, और डायरिया वो हो गया। वो कह रहे थे कि थोड़ा ही और सकता है, एक डेढ़ घंटे एक दो बार उधर और वो जाते, लूज मोशन और वोमिटिंग तो शायद ज़्यादा सीरियस हो जाते, क्योंकि पानी की बहुत कमी हो गई थी। चलो मैं अभी पहुँचता हूँ। कैसी तबीयत? ठीक है, पहले तो अच्छी है। सुबह सब पहले दूसरी बार खा रहे हैं, पहली बार खाया था तो उल्टी कर दी थी। अब देखो हालत कैसी हो गई, देख लो। दादी गीत बहुत याद करे, दादी दादी दादी, मैं अपना माना मोबाइल बजा ना, दादी दादी दादी, अंदर तक घूम के आ गए, और जैसे यहाँ से रचना गई अकेले, दादी दादी दादी, अभी मुझसे पूछे दादी। यहीं रुको हमेशा, हमेशा नहीं रुको, लो देख लो। अम्मा को फिर से फीवर आ गया है हमारी, हैं कहाँ, कोई नहीं आता। अरे वो तो ऐसे ही हमारे सब्सक्राइबर हैं, प्रतीक है मुझे लगता है, उनका फ़ोन आया था जो मुंबई से आ रहा है मिलने, उज्जैन में जाएंगे बाय रोड आ रहे हैं बाइक्स के थ्रू, बाइकर्स हैं वो मेरे से ही, हम सबसे मिलने आ रहे हैं, तुमसे मिल लेंगे, तुम रुकोगे जब तक 24 तक तो हैं 20 तक 24 चलो तो नेक्स्ट इसका नंबर आ गया, क्या नाम है इसका, लाइफ बोट, दो बॉटल हैं ये तो, लग चुकी क्या? नहीं ना, दोस्तों हम आए अभी कुछ खाने, भूख लग रही है तो खा के चलते हैं घर, मगर नहीं अभी रात को फिर से बुखार आया, फीवर तेज जा रहा है। तो दोस्तों चलो गुड नाइट, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, हम सोते हैं, उम्मीद है नाइट अच्छी जाएगी। मम्मी का हाथ पे दुख रहे हैं बस, क्या हो रहा है, और कुछ हो रहा है क्या? और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ हेडेक हो रहा है। मिलते हैं कल, कल उम्मीद है कि डिस्चार्ज हो जाए मम्मी। बाय, गुड नाइट, जय माता दी, और गेट बेल सुन लिखना प्लीज़।